and welcome on camera. I have with me Nadeem ji. Nadeem ji thinks that the court should in fact not intervene in a practice which he sees as essential to Islam. बताइए आपको क्यों लगता है कि कोर्ट को इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये मेन रीज़न क्या है कि हमारी जो हदीस है, जो हमारे हदीस के अंदर आया है, जो हमारे पैगंबर थे उनके हिसाब से जो हमारा चलता आ रहा है, हम उसी के ऊपर कायम हैं। लेकिन ये मसले जो है, जो एक करता है दस को भरना पड़ता है, वो गलत है। लेकिन हमारे हदीस के मामले में बोलने कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये ताली दोनों हाथ से नहीं बजती ना, गलती एक की नहीं होती है, दोनों की गलती होती है। कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, तो ये दोनों को देख के चलना पड़ेगा। कम स्टैंडिंग है दोनों की, उसका फ़ायदा तीसरा आदमी उठाता है, उसको आपको पता ही क्या होता है। सरकार को ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो औरतें से वो आगे हैं जी, औरतों के लिए भी सही हो और आदमियों के लिए भी सही हो। As you can see, there is a mixed opinion. Really, there are some men who see the practice as essential to their religion and thus believe that the constitution or, in fact, the judiciary should not have a say in the matter. आप बताइए आपको क्या लगता है कि कोर्ट को हक होना चाहिए इस मामले में? कोर्ट सही कर रहा है इस मामले में बोल के? नहीं, कर तो सही रहा है कोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जो जहाँ तक हमारा शरीयत का हिसाब है तो वो शरीयत में ही रहेगा। कोर्ट को ये है कि थोड़ा सख्ती कर देनी चाहिए। हाँ भाई, जो तलाक जो हो रहा है, किस मैटर पे हो रहा है तलाक, इसमें औरत की गलती है या मर्द की गलती है? बाकी अगर मर्द अपने मुंह से, अगर मुसलमान जो है अपने मुंह से तीन तलाक बोल देगा तो शरीयत के हिसाब से जो है ना निकाह में से खारिज हो जाती है हमारे हिसाब से। तो उसके बावजूद फिर वो एक सेकेंड भी उस मर्द के साथ घर में नहीं रह सकती वो, सही है? तो वो हरामखोरी हो जाती है वो हमारे हिसाब से। तो अब कोर्ट को इसमें ये मैटर करना चाहिए कि जो है ना ये क्या सही है क्या गलत है, क्यों तलाक दे रहे हैं इस बात में। तो उस मैटर में तो जो ना कोर्ट को जो ना दखल अंदाज हमारे शरीयत में देनी चाहिए। बाकी वो कहे भी तीन तलाक मर्द नहीं देगा या वो औरत नहीं देगी, वो तो खैर नहीं देना चाहिए। मर्द को भी नहीं देना चाहिए, औरत को भी नहीं देना चाहिए। बाकी उसकी जड़ पकड़नी चाहिए भाई, क्यों तलाक हो रहा है, ये मेन मैटर ये। बाकी जो है तलाक जो है वो हमारे शरीयत के हिसाब से है। देयर शुड बी लिमिटेड इंटरवेंशन, पीपल आर सेइंग बाय द कोर्ट्स, द कोर्ट शुड नॉट टेक अ स्वीपिंग डिसीजन इन द मैटर। सानिया ढिंगरा फॉर द फ्री।